जय हिंद। इस वीडियो में हम ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। यदि आप ट्राइडेंट के शेयर होल्डर्स हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल खुशखबरी तो इस पूरे कंपनी के लिए ही है, क्योंकि सरकार ने PLI स्कीम में इस कंपनी को भी शामिल कर लिया है। दरअसल PLI स्कीम के तहत कुछ इंसेंटिव दिए जाने हैं कंपनी को, जिससे अपना व्यापार और आगे बढ़ा सकें। इसके बारे में इस वीडियो में तफसील से बात होगी। और एक फाउंडेशन ग्रुप है जिसने इस कंपनी के प्रमोटर्स ग्रुप से अलग होने की बात कही थी, लेकिन वो भी अब ट्राइडेंट की तेजी को देखते हुए मन बना चुका है प्रमोटर्स ग्रुप में बने रहने के लिए। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा, और इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां हैं जो इस वीडियो में आपको दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बस और कुछ नहीं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ट्राइडेंट आज के समय में भारत में टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे लीडिंग कंपनी है, और आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर में भी नंबर वन कंपनी बन जाएगा बहुत कम समय में। अगर पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो हम जानते हैं पेपर इंडस्ट्री में तो नंबर वन कंपनी भारत में बन ही चुका है। इसके अलावा केमिकल के बिजनेस से भी कंपनी जुड़ी हुई है। केमिकल के बिजनेस में उतनी तेजी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में केमिकल में भी इसमें तेजी देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं, कंपनी का मार्केट कैप हो चुका है 27,039 करोड़ रुपए का, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। रही बात कि वैल्यूएशन बढ़ता है शेयर प्राइस के बढ़ने से, तो शेयर प्राइस अगर आप देखें तो पिछले 6 माह से कंपनी का एक कंसोलिडेशन रेंज में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 60-62 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच, इसी के बीच में कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 6 माह से देखें तो रह रहा है। हालांकि बीच में इसने हाई भी बनाया था 70.35 रुपये का, लेकिन ये अपने हाई तक दोबारा अभी तक नहीं पहुंच पाया है। उम्मीद है Q4 का रिजल्ट के बाद शेयर प्राइस जो इसका है नया हाई बनाते हुए दिख सकता है। अब समझिए, अभी वर्तमान में शेयर प्राइस है 54.95 रुपये, और ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि वेडनेसडे के दिन इसने यहीं पर हल्का गिरावट के साथ देखेंगे तो 0.91% के गिरावट के साथ यहीं पर इसने क्लोजिंग दिया था। तो वेडनेसडे के दिन अगर देखें तो मैक्सिमम स्टॉक्स गिरावट के साथ ही बंद हुए थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझिए, ये टेक्सटाइल सेक्टर का जो बिजनेस है, आपको पता है विदेशों तक में इसका माल जाता है। तो आज के समय में ट्राइडेंट 100+ कंट्रीज में, और मेरा अनुमान है कि 130 से अधिक देशों में इसका व्यापार आज के समय में चल रहा है। तो एक्सपोर्ट में इसकी तेजी आई, और यही कारण है कि जो विदेशी निवेशक हैं FII जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कहते हैं, इनकी रुचि इस कंपनी में बढ़ रही है, और ये अपना स्टेक लगातार बढ़ा रहे हैं। 2-3-4 क्वार्टर्स देखें तो धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग उस मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए ये वीडियो बना है। समझिए, सरकार चाहती है कि भारत को ग्लोबल हब बनाया जाए टेक्सटाइल के सेक्टर में। आज बांग्लादेश हमसे सूती वस्त्र के कारखानों के मामलों में आगे निकल चुका है, चीन हमसे टेक्सटाइल के मामलों में आगे निकल चुका है। तो सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर काफ़ी चिंतित है, और इसके लिए काम भी कर रही है, काम दिख रहा है सरकार का। तो अभी सरकार का एक स्कीम है PLI स्कीम, इसके बारे में आपने सुना होगा। इस PLI स्कीम के तहत सरकार टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव्स देने जा रही है इस सेक्टर के कंपनियों को। जैसे देखिए, 19,000 करोड़ रुपये का इंसेंटिव्स देने जा रही है, और इसके लिए इसने सरकार ने 61 कंपनियों को अप्रूव किया है, यानी कि 61 कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा, ताकि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए और तेजी से काम करके भारत सरकार का सपना है टेक्सटाइल सेक्टर में नंबर वन कर बनाने का, उसको पूरा कीजिए। तो इस 61 कंपनियों में, और देखिए मैंने जैसे कहा कि सरकार चाहती है, तभी इसको GST का जो स्लैब है 5% का स्लैब में ही रखा है, इस पर GST ज्यादा नहीं लगाया है। टेक्सटाइल सेक्टर आज भी भारत में 5% के स्लैब में ही आता है। अब समझिए, इसमें जो 61 कंपनियां हैं उनको 2 स्कीम में सरकार ने बांटा है, स्कीम 1 और स्कीम 2। स्कीम 1 में 13 कंपनियों को शामिल किया गया है, और स्कीम 2 में 14 से 61 कंपनियों को शामिल किया गया है। ये जो 13 कंपनियां हैं स्कीम 1 में, तो हमारा जो ट्राइडेंट है यह स्कीम 1 में ही आता है और 13वें नंबर पर है, और उसके अलावा बाकी बहुत सारे कंपनियां हैं जो 14 से लेकर 61 तक स्कीम 2 में है। तो थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो उसमें देखेंगे गोवा ग्लासेज है, SP कॉटन है, अरविंद लिमिटेड, शाही एक्सपोर्ट्स और डोनियर इंडस्ट्री जैसे कंपनियां शामिल हैं। हालांकि ये स्कीम 1 और स्कीम 2 में आप कुछ ज़्यादा डिफरेंस मत मानिए, ये सभी को सरकार ने अपने इंसेंटिव्स जो देना है उसमें शामिल कर लिया है। तो ये अध्ययन की सुविधा के लिए इसको स्कीम 1 और स्कीम 2 में कंपनी को रखा गया। ऐसा नहीं है कि स्कीम 1 में कुछ बहुत अच्छी कंपनियों को रखा गया और स्कीम 2 में कुछ खराब कंपनियों को रखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सरकार ने जितनी भी कंपनियों को चुना है सभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उनमें पोटेंशियल है, इसलिए सरकार ने इसको चुना है। अब दूसरा जो अपडेट है, मैंने आपको बताया कि लोटस ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से है। ये दरअसल इसका जो प्रमोटर्स है, ट्राइडेंट का प्रमोटर्स ग्रुप है, उस प्रमोटर्स ग्रुप का यही एक पार्ट है, और उसमें देखेंगे तो 0.08% का स्टेक इसके पास है। अगर ट्राइडेंट में वर्तमान समय में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखा जाए तो वह 72.94% के आसपास है, और इसमें से 0.08% की हिस्सेदारी लोटस ग्लोबल के पास है। तो इसने कहा था कि हमको अक्टूबर 2020 में कहा था कि प्रमोटर्स ग्रुप से बाहर होना है, और हमको प्रमोटर्स ग्रुप से बाहर करके पब्लिक कैटेगरी में डाल दीजिए,
लेकिन अभी अभी ट्राइडेंट में तो पिछले साल भर से तेजी देखने को मिल रही है, जबरदस्त तेजी आई है। तो इस चलते लोटस ग्लोबल का मन बदल गया और इसने कहा कि नहीं भैया, ऐसा है कि हमको प्रमोटर्स ग्रुप में बने रहने दो, हमको पब्लिक कैटेगरी में नहीं जाना है। तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव खबर है, कहीं ना कहीं अब इस तरह के जो फाउंडेशन उनका विश्वास ट्राइडेंट कंपनी पर बढ़ रहा है। और मैंने आपको बताया कि जो विदेशी निवेशक हैं उनका भी इसमें रुचि बढ़ रहा है, उनकी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ रही है। तो यहाँ जैसा मैंने आपको बताया, अभी FII की हिस्सेदारी 2.98%, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भर भर के है लगभग 73% के आसपास हिस्सेदारी है। इसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी देखिए 1.87%, और गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी लगातार धीरे धीरे क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ती ही जा रही है। तो जिस कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक होता है उस कंपनी पर लोगों का भरोसा होना स्वाभाविक है। तो आने वाले समय में ट्राइडेंट टेक्सटाइल सेक्टर में नंबर वन कंपनी बनने जा रहा है और भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामला में नंबर वन बनने जा रहा है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के स्टेक हैं तो समय समय पर अपना स्टेक को बढ़ाते रहिए, क्योंकि अभी इसका शेयर प्राइस भले कम है लेकिन आने वाले 2-3 सालों में शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर जाएगा। और अगर आप नए हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेशक अपने रिसर्च और एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद इस कंपनी में एंट्री ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह अपडेट आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है जो आप नहीं समझ पाएँ तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देता हूँ। और पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जहाँ मैं सबसे आराम से उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।